दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में अजीबोगरीब वाकया देखा गया, जिसमें पोलार्ड मैच के बीच में एक ऐसी हरकत करते हुए नजर आए जिसको देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बताते हैं आपको पूरे मूवमेंट के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि पोलार्ड और हार्दिक पांड्या में कौन बेहतरीन ऑलराउंडर है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल का 24वां मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। आपको बता दें कि इस मैच का टॉस जीता था रोहित शर्मा ने, लेकिन पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आपको बता दें कि राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन बनाए थे। राजस्थान की तरफ से सबसे ज्यादा संजू सैमसन ने 42 रन बनाए, वहीं जॉश बटलर ने 41 रनों की पारी खेली। उसके बाद अंत में राजस्थान की टीम तेज गति से बल्लेबाजी नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उनका स्कोर 10 से 20 रन कम बना। ऐसे में लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत अच्छी रही थी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक ने 49 रनों की साझेदारी की थी और टीम को एक मजबूत शुरुआत दिला दी थी, लेकिन रोहित शर्मा 14 रन बनाकर चेतन सकारिया को अपना कैच दे बैठे। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने पारी को आगे बढ़ाया। सूर्य कुमार यादव 16 रन बनाकर क्रिस मॉरिस की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए थे कुणाल पांड्या, जिन्होंने क्विंटन डिकॉक के साथ बेहतरीन साझेदारी करी और इस साझेदारी ने लगभग मुंबई इंडियंस की टीम को इस मुकाबले में जीत दिला ही दी थी, क्योंकि टीम को जीत के लिए 24 गेंदों में 32 रनों की जरूरत थी। ऐसे में कुणाल पांड्या आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए थे पोलार्ड और ये पारी का 18वां ओवर था, जिसमें गेंदबाजी करने आए थे क्रिस मॉरिस और बल्लेबाजी पर थे कायरन पोलार्ड, जो मॉरिस की गेंद पर छक्का लगा चुके थे। इसके बाद मॉरिस ने पोलार्ड को बाउंसर गेंद डाली और पोलार्ड इस गेंद को छोड़ना चाहते थे। पोलार्ड ने झुकने का प्रयास किया, लेकिन गेंद सीधे पोलार्ड के हेलमेट में जा लगी। गेंद काफी तेज रफ्तार में फेंकी गई थी और पोलार्ड के हेलमेट में लगने के बाद भी पीछे की तरफ चली गई और ये चौका हो गया। गेंद इतनी ज्यादा तेज थी कि पोलार्ड के हेलमेट में लगने के बाद किसी ने गेंद की तरफ देखा ही नहीं। हालांकि इसके बाद पोलार्ड ने हेलमेट उतारा और बीच मैदान पर ही अलग अलग तरह के इशारे करते हुए नजर आए। उसको देखने के बाद डगआउट में बैठे रोहित शर्मा के भी होश उड़ गए। रोहित शर्मा के रिएक्शंस सामने आ रहे थे, जिसको देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो सोच रहे होंगे कि पोलार्ड क्रीज पर कर क्या रहे। आखिर खुशी की बात ये रही कि पोलार्ड को गंभीर चोट नहीं लगी और मॉरिस भी पोलार्ड के पास पहुंचे और उन्होंने पोलार्ड से बातचीत की। आपको चोट तो नहीं लगी? पोलार्ड इस बीच मॉरिस से बात करते हुए मुस्कुरा रहे थे और दोनों इसके बाद एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए नजर आए, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि दोनों क्रिकेट की मर्यादाओं का पालन बखूबी ढंग से कर रहे हैं। इसके बाद पोलार्ड ने चौका लगाते हुए अपनी टीम को इस मुकाबले में जीत दिला दी। लेकिन दोस्तों, आप मुंबई इंडियंस की इस शानदार जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और साथ ही ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।